नमस्कार, कॉमोडिटीज लाइव इवनिंग एडिशन में आपका स्वागत है। कॉमोडिटी मार्केट में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपके लिए पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं, शो में डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी सवाल कॉमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है इस शो में पूछिए 1800-1803545 पे कॉल करके, या फिर 0120-425-8237 पे कॉल करके अगले आधे घंटे कॉमोडिटी मार्केट्स की टिप्स जान सकते हैं आप। लेकिन शुरुआत बम्पर कॉल से करते हैं क्योंकि आज मार्केट पे बेस मेटल्स पे अच्छी खरीदारी है। देखिए, सोने और चांदी पे कुछ ज़्यादा खरीदारी बनी नहीं, सोना इनफैक्ट आज कमज़ोर है। लेकिन एंजल कम्युनिटी मानता है कि खरीद कर चलें सोने को, 30,580 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, टारगेट 31,000 तक के देखने को मिल सकते हैं, तेज़ी पकड़ेगी ये कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी MCX पर कॉपर खरीदने की सलाह है। एंजल कम्युनिटी मानता है 440 तक पहुंच जाएगा कॉपर, और स्टॉप लॉस आपको 428 के जोन्स पे रखना होगा। आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी कम्युनिटी है नेचुरल गैस, जिसमें 179 का टारगेट है आनंद राठी का, और स्टॉप लॉस 171 का लगाना होगा। तेज़ी यहां पर भी बनाई जा सकती है। मेरे साथ अनुज गुप्ता जी एंजल कम्युनिटी के DVP और साथ ही साथ समीर सालवीर जी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी के मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अनुज जी, सबसे पहले तो गोल्ड पे खरीदारी करके चले गए, लोअर लेवल्स पे बाय कॉल इनिशिएट किया आपने। बिल्कुल रजत जी, हमने देखा है कि गोल्ड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और गोल्ड अभी करीबन $1,345 के राउंड चल रहा है। हमने देखा 1340 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मार्केट बनाता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, साथ में जो US में इन्फ्लेशन के कंसर्न है, वो यहाँ पर गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेंगे। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है जल्दी ही गोल्ड के भाव 31,000 तक देखने को मिल सकते हैं। राइट, और जिस तरीके का एक्शन इस समय क्रूड पे देखने को मिल रहा है, 0.5% के आसपास की तेजी है। समीर जी, यहां से तेजी अभी और कंटिन्यू रहेगी इवनिंग ट्रेड में क्या? जी हाँ, अगर क्रूड की हम बात करें तो क्रूड काफी मींस लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 5% तेजी हुई थी क्रूड काउंटर में, और आज भी एक्सपेक्टेड है एक बार 4,300-4,290 के हम भाव देख सकते हैं। ऊपर के स्तर पे हमें बिकवाली करनी चाहिए, और आने वाले एक दो सेशन में हम नियर अबाउट 4,200-4,220 के भाव देख सकते हैं। ठीक है, हायर लेवल पे कीमतें जो है वो हल्की पड़ सकती हैं, आपका ये कहना है। मेरे साथ अर्जुन जी मथुरा से सब लाइन पे हैं। अर्जुन जी नमस्कार। जी सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब सिल्वर में क्या अप्रैल एंड तक 40,000 के लेवल देख सकते हैं? अच्छा अनुज जी, आप क्या नजरें रखते हैं अगर एक महीने का पर्सपेक्टिव हो सर, तो चांदी 40,000 के ऊपर जाएगी क्या? देखिए, चांदी में अगर देखें तो $17 कॉमेक्स पे काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम 41,000-42,000 तक लेवल देख सकते हैं। हालांकि एक रेजिस्टेंस जोन जो है चांदी में काफी फेस होता है वो दिखता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने पिछले कुछ दिनों में बेस मेटल में गिरावट आते हुए देखी है। तो अगर बेस मेटल में कुछ गिरावट आएगी तो हो सकता है कि चांदी उतना परफॉर्म ना करे। तो इंपॉर्टेंट है कि $17 के ऊपर चांदी ब्रेक होती हुई क्लोज होती हुई दिखाई दे। अच्छा, जितेंद्र जी से बात कर लेते हैं, जोधपुर से लाइन पे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। जी सर, मैंने 39,000 में चांदी खरीदी है, तो मैं क्या करूँ आप बताइए सर। अच्छा समीर जी, आपको लगता है तेजी पकड़ेगी चांदी, और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स, चांदी भी क्या तेजी के ही आते हैं? जी हाँ, चांदी में तेजी एक्सपेक्टेड है। चांदी अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट 38,900 लेवल पे ट्रेड हो रहा है, सो यहाँ से 38,600 का एक काफी अहम सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है नियर अबाउट 39,200-39,300 के हम भाव देख सकते हैं। तो इन्हें पोजीशन होल्ड करने की सलाह दे सकते हैं हम। समीर जी, स्टॉप लॉस क्या रखें, यहाँ से कितना डाउनसाइड रिस्क है सर सिल्वर पे? स्टॉप लॉस 38,600 का रखना चाहिए इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए। ओके अनुज जी, आज जिस तरीके का एक्शन क्रूड पे देखने को मिल रहा है, हालांकि समीर जी कह रहे थे हायर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मार्केट अभी ट्रैक कर रहा है आज के सेशन में, और क्या तेजी अभी और बढ़ेगी? आधे फीसदी के गेंस दिखाई दे गए अभी इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, करंट लेवल्स पे अगर देखें और टेक्निकल चार्ट्स को इवैल्यूएट करें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में है। नो डाउट कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और साथ में अगर देखें तो जो फंडामेंटल फैक्टर है वही पॉजिटिव है। बट टेक्निकल चार्ट्स पे के अकॉर्डिंग अगर चलें तो मुझे लगता है कि अभी बाइंग नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि भाव अगर करेक्ट हो करीबन नीचे 4,220-4,230 के आसपास, तो बाय इनिशिएट करें। अदरवाइज करंट लेवल पे मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाएं, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी उतना फ्रूटफुल नहीं है। भाव अगर नीचे आते हैं 4,220 के आसपास, मीन्स अगर हम NYMEX में देखें तो करीबन $65 के आसपास मिले तो बाय करके चल सकते हैं। चलिए अनीश जी से बात करते हैं, बीकानेर से लाइन पे हैं। अनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ग्वाल सीड और चने पे है, और सवाल मेरा अनुज जी से है कि सर, एक तो ये है कि मेरा 4,230 रुपए से 2 ग्वाल सीड बाई पड़े हैं, उनमें क्या करना चाहिए? और सर दूसरा सवाल चने पर है
कि क्या महीने दो महीने के अंदर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे उसके तहत सर वहाँ पर 4400 रुपए से हो जाएगा सर महीने दो महीने में, क्या लग रहा है? और क्या ग्वार सीड में बाइंग लौटेगी सर? क्या मार्केट टूट रखे सर? ये अनुज जी जो खरीदारी ग्वार पे हो गई है ना, ये 42-30 के आसपास की है, और चने पे भी जो नजरिया चाहते हैं ये 1-1.5 महीने का चाहते हैं, ये तेजी पकड़ेगी क्या दोनों कॉमोडिटीज? चने में इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक बाउंस तो आया देखने में तो मिला। देखिए चने में अगर देखें तो नो डाउट की जो ट्रेंड था थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, और हमें लगता है कि ऊपर में 3800 से लेकर 3850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चने की जो बाइंग एक्टिविटी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा है, साथ में कुछ सपोर्टिव फैक्टर भी हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से बाय डायरेक्ट खरीदारी करने की और एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करने की, तो दोनों ही फैक्टर काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे चने के लिए। तो मुझे लगता है कि चने में जो खरीदारी है वो बनती हुई दिखाई देगी। बट अगर हम ग्वार को देखें तो हमें लगता है कि ग्वार में अभी भी मंदी देखने को मिल सकती है, और हमें लगता है कि नीचे करीबन अब जो हम लेवल्स देख रहे हैं करीबन 3800 रुपये तक के लेवल ग्वार में, और ग्वारगम करीबन 8300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्वारगम में अभी भी बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो यानी ग्वारगम पे अभी बिकवाली का जो दबाव है वो और रहेगा सर, लेकिन चने में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अनुज जी क्या कहा आपने, मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल अगर 1-1.5 महीने का पर्सपेक्टिव, तो चने का टारगेट क्या है सर? देखिए चने का टारगेट मुझे लगता है कि 3850 से लेकर 3900, इनिशियली 3850 है और उसके ऊपर अगर चलता तो 3900 रुपए। चलिए रमेश जी से बात करते हैं, सिरसा से इन्होंने कॉल किया। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछे सर। ये मस्टर्ड के बारे में पूछना, ये तो तेज हो गई है, एक कह रहे हैं जी गवर्नमेंट इसके अंदर खरीद करेगी क्या जी, नहीं करेगी, ये बताओ साथ में जी। अच्छा समीर जी, आपसे सवाल होगा सर मस्टर्ड पे, सप्लाई डिमांड सिचुएशन कैसी है और क्या यहाँ से अभी ये कॉमोडिटी अट्रैक्टिव लग रही है आपको? जी हाँ, अगर आर एम सेड की बात करें तो लास्ट वीक हमने एक अच्छी बिकवाली देखी थी आर एम सेड में, नियर अबाउट 5% काउंटर नीचे ट्रेड हो रहा था लास्ट वीक, और अभी 3900 का एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, ऊपर के स्तर पे 4000-4050 के हम भाव देख सकते हैं आने वाले सेशन में। अच्छा, लेकिन अगर थोड़ा नजरिया एक महीने का हो, ट्रेडिंग कॉल नहीं, अगर एक महीने के पर्सपेक्टिव से अनुज जी आप बता पाए मस्टर्ड की कीमतें कहाँ पर दिखती हैं? देखिए मस्टर्ड में अगर हम फंडामेंटल जाएं तो अभी हमने देखा था कि क्वेट का जो प्रोडक्शन एस्टिमेट था वो बढ़कर आया था, जिसका असर हमने भावों पे देखा है, साथ में हमने अगर हम टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो भाव ने 4100 का जो लेवल सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक किया है। अच्छा। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल हुआ है डाउनसाइड की तरफ, हमें लगता है कि भाव अभी नीचे की तरफ आ सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि करीबन 3800 रुपए तक के लेवल आरएम सीड में अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, दबाव रहेगा इस कॉमोडिटी पे। मेरे साथ बीकानेर से प्रदीप जी अब कॉल पे हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे धनिया के बारे में जानना है। अच्छा, खरीद पड़ी हुई है सर आपके पास? नहीं नहीं सर, मुझे तो बाइंग करना है। अच्छा, करना है। अनुज जी बताइए, धनिया आज 0.5% के आसपास के गेंस है, लेकिन कितने टकाऊ लगते हैं आपको ये 5000 के लेवल के ऊपर, आपको लगता है कि ये कंटिन्यू करेगी कमोडिटी ट्रेड करना? देखिए इस कमोडिटी का जो पैटर्न है वो नेगेटिव है, और हमने देखा है कि कंटिन्यूस इसमें जो भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, हमें लगता है कि इसमें अभी और गिरावट रह सकती है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ टर्मरिक और जीरा पे समीर जी आपकी राय, ये मसालों पे ऊपरी स्तरों पर कुछ बिकवाली देखने को मिली है सर, यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं टर्मरिक के और साथ ही साथ जीरा के प्राइसेस? जी हाँ, अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक ट्रेंड वीक है अभी, अभी काउंटर 6560 ट्रेड हो रहा है, तो आने वाले दिनों में हम नियर अबाउट 6300-350 के भाव देख सकते हैं, तो इसमें बिकवाली करके ही हमें काम करना चाहिए टर्मरिक में। और जीरा की अगर बात करें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट नियर अबाउट 14500 पे ट्रेड हो रहा है, 14000 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, तो नियर अबाउट हमें 14100 के दायरे में हमें बाइंग करके काम करना है इसमें। समीर जी, ये एनजी पे क्या किया जाए, आपको लगता है यहाँ से इस कॉमोडिटी में तेजी देखने को मिल सकती है? सरेंडर नहीं किया इस कॉमोडिटी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, अभी के हिसाब से अगर किसी ने खरीदा तो उसको 179-180 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए क्या? जी हाँ, एक अगर टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो काफ़ी कंसोलिडेटेड हुए ये कमोडिटी नियर अबाउट 165 से लेके 175 के रेंज में, सो आने वाले सेशन में हम यहाँ पे 173-174 के आसपास बाय करके 170 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम 178-179 के भाव देख सकते हैं। मेंथा पे एक सवाल पूछा, इनफैक्ट ये व्यूअर मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे, कृष्ण मोहन जी ग्वालियर से। कृष्ण मोहन जी नमस्कार, बताइए मेंथा पे पोजीशन क्या सर? सर जी नमस्कार। नमस्ते सर, सवाल बताएं। सर मेरा निवेदन अनुरोध ये है कि सर जो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर मैं,
पहला क्वेश्चन तो जो पूछा हूँ सर कि महंगाई मार्च 12 कहाँ तक जाएगा, और सर अप्रैल में ये बात बढ़ नहीं जाए तो उसका क्या कारण सर, कहाँ तक जाएगा? मेरे पास दोनों महीने के हैं, मार्च का भी अप्रैल का भी, क्या करना चाहिए सर मुझे बताएं थोड़ा निवेदन। अच्छा अनुज जी बताएं, आउटलुक बताएं मेहनता पे सर। देखिए मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें लगता है कि जो 1500 तक आ सकता है, 1478 के आसपास चल रहा है, और जो अप्रैल वाला है उसका जो भाव ना बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि जो आगे महीने हैं उसमें जो क्रॉप की अराइवल है, जो सोइंग है, वो स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, और इस बार माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, इसलिए आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आगे के महीने हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद इसमें गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो प्राइसेस कहाँ पर जाएंगे सर अप्रैल में? अभी आपने बोला 1500 के भाव तो मार्च में दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही कम ट्रेडिंग सेशन है हालांकि, लेकिन ये अप्रैल में कीमतें कहाँ पर जा सकती हैं? देखिए हमें लगता है कि अप्रैल में अगेन 1200 रुपए तक के लेवल मेहनता में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हायर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा हैं सर, तो अप्रैल की पोजीशन पे आप कॉशियस रहिएगा। दिनेश जी बीकानेर से लाइन पे हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर जी। मेरा सवाल ग्वालियर और चने पे है कि कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो एक तो बिल्कुल करंट प्राइस ग्वालियर और चने में क्या करना चाहिए, और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि क्या मेरे पास फिजिकल में 100 क्विंटल ग्वार पड़ा है, तो क्या यदि मंदी लग रही है तो क्या मुझे वो ग्वार को बेच देना चाहिए? मैं भी एक फार्मर हूँ तो बेच देना चाहिए या उस ग्वार को होल्ड रखना चाहिए? क्या कभी 45-46 रुपए के भाव अगेन देखने के लिए मिलेंगे, और क्या चने में सर 45 रुपए के भाव नजर आएंगे? अनुज जी देखिए दो सवाल है, एक तो जब कल जब ओपनिंग होगी तो ग्वार सीड और सासे चने की ओपनिंग पे कमेंट देना है, और दूसरा जो है फिजिकल पढ़े हुए दोनों कॉमोडिटीज पे क्या करना चाहिए, बेच दें स्टॉक या फिर होल्ड करें, कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए हमें लगता है कि ग्वार सीड में कल ओपनिंग में बिकवाली करना चाहिए, ग्वार सीड ग्वार गम के अंदर हमें लगता है कि कल सेलिंग देखने को मिल सकती है। ग्वार सीड की अगर देखें तो करीबन कल इंट्राडे कल के लिए टारगेट करीबन 3950 तक हो सकता है, ग्वार गम करीबन 8500 तक हो सकता है। चने के अंदर हमें लगता है कि बाय करके चल सकते हो, पर टारगेट करीबन 3750 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन वो फिजिकल एज ए कॉमोडिटी जो पड़ी है उसका क्या करें? अभी आपको लगता है कुछ सुधार होगा पोजिशनली यहाँ पर चना या फिर ग्वार, निचले स्तरों से कुछ खरीदारी की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए चने के अंदर अराइवल बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमें लगता नहीं कि ज्यादा भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। चने के अंदर 100-150 रुपए की तेजी हो सकती है। ग्वार के अंदर हमें लगता है कि अभी उतनी एक सपोर्टिव नहीं है, हमें लगता है कि ग्वार के अंदर अभी भी भाव जो है वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। अनुज गुप्ता जी एंजल कॉमोडिटी से मेरे साथ मौजूद हैं, समीर सालवी जी आनंद राठी से मौजूद हैं, और जानने की कोशिश कि कौन सी कॉमोडिटीज आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकती हैं। आनंद जी सूरजपुर से कॉल कर रहे हैं अब। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल पूछिए सर। ये धनिया का उत्पादन के बारे में पूछना था। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि पोजीशन है कुछ ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है क्या? नहीं, फिर बाद में करना था। अच्छा चलिए ठीक है। समीर जी बताएं डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसी है धनिया पे, और क्या आपको लगता है कि यहाँ से तेजी अभी और कंटिन्यू होगी? थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव बताइएगा, एक महीने का क्या करना चाहिए? जी अगर धनिया काउंटर है अभी 5000 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज पे, ट्रेंड तो वीक ही है इसमें, तो आने वाले सेशन में हम नियर 4800 to 4850 के भाव हम देख सकते हैं। सो इसमें बिकवाली करके ही हमें काम करना है, निचले स्तर पे 4850 to 4800 के हम भाव देख सकते हैं। अच्छा अनुजी मैक्सिमम कैप क्या है हायर लेवल पे और कहाँ तक कीमतें जा सकती हैं लोअर एंड पे? देखिए धनिया में हमें लगता है कि नीचे में करीबन 4600-4500 तक दिखा सकता है भाव। अच्छा, ऊपर अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 5500 के ऊपर भाव नहीं जाने चाहिए, क्योंकि क्रॉप साइज जो है वो बड़ी है, रकबा भी बड़ा है, और एज कम्पेयर अगर हम देखें तो जो सप्लाई साइड है वो भी काफी स्ट्रांग है, तो कीमतों पर दबाव ज्यादा रहने की गुंजाइश है सर। पहले डिप आएगा, अगर पोजिशन बनानी है तेजी बनानी है तो किसी डिप का इंतजार करना होगा आपको। मेरे साथ किशन जी हनुमानगढ़ से हैं अब। किशन जी नमस्ते। नमस्कार। सवाल पूछिए। मेरा सर जी गुमार पे सवाल है गुप्ता जी से, क्या गुमार है 20 अप्रैल तक 3500 रुपए के लमसम आ जाएगा क्या? 3500 बोल रहे हो? 4500? 3300 बताइए अनु जी, कीमतें कितनी टूट सकते हैं? देखिए इनिशियली जो हम देख रहे हैं लेवल करीबन 3800 तक का लेवल हमें लगता है कि आ सकता है, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो फिर 3500 और फिर 3300 ये लेवल्स रहेंगे जिनको आप वॉच कर सकते हैं, और साथ में ग्वार गम के जो लेवल्स है करीबन 8500 और 8000 के लेवल, ये आप लेवल वॉच कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में करीबन 3800 तक एक्सपेक्टेड है लेवल देखने को मिल सकता है। अनुजी हुआ क्या एकदम से ग्वार सीड ग्वार गम में जो कॉल्स हैं नेगेटिव साइड पे कैसे होनी शुरू हो गई? क्या बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई सिचुएशन है फिर से बाजार पे हावी है? देखिए पिछले
दो साल से ही इसका अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन है, हाँ। जिसकी वजह से भाव जो है वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैरी ओवर स्टॉक जो है वो भी एज कम्पेयर काफी ज्यादा है, तो मैं लगता है कि जो भाव रहेंगे थोड़े प्रेशर में ही रहेंगे। चलिए इनफैक्ट कुछ और कॉमोडिटीज डिस्कस कर लेते हैं। सोयाबीन पे आउटलुक बताएं समीर जी, क्या लगता है यहाँ से कीमतें और घट सकती है क्या? जी हाँ, सोयाबीन की अगर बात करें हम तो आने वाले सेशन में 3600 टू 620 के भाव हम देख सकते हैं। सो निचले स्तरों पे नियर अबाउट 3600 के लेवल पे हमें बाय करके इसमें काम करना चाहिए। ये काउंटर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक मंथ में ये लास्ट मीन्स अगर बात करें तो काफ़ी रेंज बाउंड ही है, 3600 से लेकर 3850 टू 900 के भाव हम देख रहे हैं। सो निचले स्तरों पे 3600 के लेवल पे हमें बाय करके इसमें काम करना है। मेरे साथ अब राजेंद्र जी सहारनपुर से हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। क्रूड पे सवाल है, तेजी बना रखी है क्या? हाँ जी सर, क्रूड पे सवाल है, क्रूड स्टील किया दो लोट 4070 पर। 4070? हाँ जी। ओके सर, अब ये अनुज जी पोजीशन तो हो गई है नेगेटिव, मतलब इनकी जो बिकवाली की पोजीशन है उससे बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन दोबारा से रीटेस्ट करेगा कि 4100-4000 के स्तर को? देखिए अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो हो सकता है कि भाव उतनी स्पीड से ना टूटे, बट हमें लगता है कि एक बार भाव नीचे करीबन 4220-4200 तक दिखा सकते हैं, तो वो रेंज मिलती है तो मुझे लगता है कि इनको वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, साथ में जो फंडामेंटल फैक्टर हैं चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर हो या ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाने को हो, तो मुझे लगता है कि उनसे क्रूड को सपोर्ट मिलेगा, तो क्रूड में अगर पोजिशन लेनी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। चलिए प्रवीण जी से बात कर लेते हैं, फारूखाबाद से लाइन पे हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रवीण बोल रहा हूँ सर, फरुखाबाद से। नहीं सवाल पूछिए सर। क्रूड को लेकर सवाल है और सर का फोन नहीं काटेगा क्योंकि मैं टीवी के सामने नहीं हूँ सर। हाँ नहीं कटेगा सर, फोन आपका ट्रेंड रहेगा बताइए। नहीं आपने पोजीशन बना रखी है क्या क्रूड पे? नहीं नहीं सर, अभी कोई पोजीशन नहीं बनाया है सर, मैं बाई करने का सोच रहा था। अच्छा समीर जी बताएं कि आप मौजूदा स्तरों पे खरीदारी करें या फिर किसी डिप का वेट करें, टारगेट स्टॉप लॉस दे दीजिए सर। जी हाँ, अगर खरीदना है काउंटर तो हमें थोड़ा डिप्स का इंतजार करना पड़ेगा, नियर ऑफ 4200 टू 220 के रेंज में हम बाय कर सकते हैं इसमें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4140 और ऊपर के स्तर पे हम नियर अबाउट 4300-350 के हम भाव देख सकते हैं, तो डिप्स में ही इन्हें बाय करने की सलाह देंगे। चलिए यानी कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, खरीदारी करनी है तो किसी डिप का इंतजार करें, हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम खरीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा, कीमतें नीचे आने दीजिए 4200-4220 की रेंज पे, फिर से तेजी बनाए उस केस में 4160 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट फिर से 4300 तक के देखने को मिल सकते हैं। अशोक जी फतेहबाद से लाइन पे है। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सवाल पूछिए सर। कपास का 2 महीने का आउटलुक जानना है। अच्छा अनुज जी आप बताएं, आउटलुक 2 महीने का नजरिया सर कपास पे? देखिए कपास के अंदर देखें तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा, हालांकि एक रेंज में मूव कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि ट्रेंड के अंदर कुछ गिरावट ही रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली कपास के भाव 1100 टूटकर नीचे करीबन 880 तक आए हैं, तो हमें लगता है कि आगे भी जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और आगे हम देखेंगे मॉनसून की अगर खबर सामने आएगी तो अगेन इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो हमें लगता है कि कपास और कॉटन में थोड़ा ट्रेंड जो है वो डाउनसाइड हो सकता है। अच्छा समीर जी आपका व्यू क्या है कॉटन सीड पे, दोनों पे क्या आपको लगता है कि कीमतों पे थोड़ा दबाव रह सकता है? जी हाँ, कपास में हम बिकवाली देख सकते हैं, दबाव रह सकता है प्राइसेस में आने वाले दिनों में, हम नियर अबाउट 860 का एक अहम सपोर्ट लेवल है, वहां तक प्राइस हम देख सकते हैं, तो ऊपर के स्तर पे नियर अबाउट हमें 910-920 के आसपास अगर प्राइस मिले बाउंस तो हमें वहां पे बेच के काम करना चाहिए, 860 का सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांग है। अच्छा आज बेस मेटल्स में अच्छी खरीदारी हुई है, करीब 1%-1.25% की तेजी कॉपर निकल पे। एक बार अनुज जी आप बताएं, अगर टॉपिक हो बेस मेटल्स एज अ कम्युनिटी एज अ पैक में, कौन सी कॉमोडिटी है जो रडार पर है सर, जहां पर क्लाइंट्स को आपने एडवाइस किया? देखिए हमें लगता है निकल है जिसमें बाइंग करके चला जा सकता है, काफी डिस्काउंटेड हुई है तो करीबन 840 के अराउंड बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 825 का, टारगेट करीबन 860-865 तक हो सकता है। चलिए तेजस जी से बात करते हैं, हिंगोली से लाइन पे हैं ये। तेजस जी नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछिए सर। सर टर्मरिक का आउटलुक क्या लगता है सर, आगे मंदा आएगा या ओके समीर जी बताएं, टर्मरिक यहां से भाव टूटेंगे या फिर खरीदारी बन सकती है सर इस कॉमोडिटी में? जी हाँ, टर्मरिक की अगर बात करें तो ट्रेंड वीक ही है फिलहाल, लास्ट वीक में हमने नियर अबाउट 3% की मंदी इसमें काउंटर में देखी थी,
तो आने वाले सेशन में हम नियर अबाउट 6400 6300 के हम भाव देख सकते हैं। सो ऊपरी स्तर पे नियर अबाउट 6600 650 के रेंज में हमें सेल करके ही एक काउंटर ट्रेड करना चाहिए। नीचे में हम नियर अबाउट 6300 टू 200 के लेवल देख रहे हैं। चलिए, लेकिन कुछ ऐसी कॉमोडिटीज जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए चुनी गई हैं आपके लिए, रैपिड फायर कॉमोडिटीज देख लेते हैं। अनुज जी, पहली कॉमोडिटी आपकी ओर से। हमारी तरफ से पहली कॉमोडिटी सिल्वर में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, टारगेट करीबन 39,500 तक, स्टॉप लॉस 38,400 पे लगा सकते हैं। समीर जी, दूसरी कॉमोडिटी बताएं। जी हाँ, नेचुरल गैस बाय नियर 174 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 171 और ऊपर के स्तर पे 179 टारगेट। ओके अनुज जी, आज की आखिरी कॉमोडिटी। आखिरी कॉमोडिटी निकल रहेगी, हमें लगता है निकल में बाय करके चल सकते हैं, टारगेट 865 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 825 पे लगा सकते हैं। चलिए अनुज जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कॉमोडिटी मार्केट पे एडवाइस करने के लिए। तो फिलहाल कॉमोडिटी लाइव से इतना ही, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जी बिजनेस पे जारी।